Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So, my dear student, today we will deal with some questions in a super question series. So, aap sabhi log jante hain, every day 12 noon par super question series hoti hai. To aaj main question leke aaya hoon, kuch questions real analysis se aur kuch questions complex analysis se, jo ki hamare CSIR exam mein आते रहते हैं. सो अबाउट द सब्सक्रिप्शन, जस्ट आई विल लेट यू नो कि आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर नेट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, यू विल रीच टू द प्लेस जहां पर आपको पूरा डिस्कशन किया गया है कि अगर आप 1 month का लेते हैं तो आपके पास जो होगा यू हैव टू पे 2100 रुपए और 6 month का लेते हैं तो 9450 रुपए, जबकि आप 12 month का लेते हैं तो 1150 रुपए. सिमिलरली 14 month पे जाते हैं तो 16800 रुपए. सो भाई ये तो बात रही इनके रेट की, लेकिन अगर आप अमित S10 यूज कर लेते हैं तो यू आर गेटिंग द 10% ऑफ एट द ईच सब्सक्रिप्शन, जो भी आप चाहने वाले हैं, ठीक है ना. सो दिस इज द डिटेल. चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इन r, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू. ट्रू स्टेटमेंट को देखना है. फर्स्टली हमें केयरफुली रीडिंग होनी जरूरी है. ट्रू की बात पूछ रहा है, क्या कहा इसने, एफ इज कंटिन्यूअस एज वेल एज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बट नॉट यूसी, नॉट यूसी कंटिन्यूअस, नन ऑफ दिस. यानी कि पूरे क्वेश्चन में इसने किसकी बात की है, बात की है कंटिन्यूटी की और सेकेंडली बात की है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की. हमारा कैसा फंक्शन है, हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कंटिन्यूअस होते हैं थ्रू पूरे अपने डोमेन के अंदर, ओके. बट यहां क्या दिया हुआ है, यूसी की भी बात की है साथ साथ. इसने पूछा है आपसे यूसी है या नहीं है. जब हम यूसी की बात कर रहे हैं तो भाई हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर ना होकर के कोई सबसेट होता है इसका क्लोज इंटरवल तो हम कह देते. तो इस केस में हमारे पास दो वे होते हैं करने के लिए, आइदर तो आप डेफिनेशन से लगाइए या फिर कोई रिजल्ट या कोई सफिशियंट कंडीशन जानते हो आप उसको यूटिलाइज कीजिए. देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एफ डैस एक्स इज इक्वल टू 2 sin x एंड cos x, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू sin 2x. और भाई साइन 2x हो, साइन x हो या साइन ax हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है, x की हर वैल्यू के लिए लाई बिटवीन 1 और -1. आप सभी जानते हैं ना साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है 1 और -1 के बीच में फॉर ऑल एक्स, कोई भी आप एक्स ले आइए. इसका मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, दिस मींस दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ एक्स लाई बिटवीन 1 और -1, यानी कि डेरिवेटिव आपका बॉन्डेड हो गया. जब भी कभी ऐसा हो कि फंक्शन डिफरेंशियबल है और डेरिवेटिव बॉन्डेड हो जाए, जिस भी आपको डोमेन के लिए पूछा है यूसी, तो इसका मतलब फंक्शन मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है. सो क्या दिया हुआ है इसमें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. सो द ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन, ठीक है ना. वैसे भी आप देख रहे हैं डायरेक्टली कि इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं. सो बाय अगर हम प्रोसेस से जाते हैं डेफिनेशन से तो डेफिनेटली लंबा हो जाएगा. सो रिमेंबर सच टाइप ऑफ द सफिशियंट कंडीशन, ठीक है ना. तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्या दिया हुआ, द इंटीग्रल 1 to ∞ dx अपॉन रूट ऑफ x³ + 2x + x². हमें ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है इंटीग्रेंट. आपको यहाँ देखना है लिमिट, जब भी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो आपको इसको किसी सीरीज से कंपैरिजन करने की कोशिश करनी है, ठीक है. पहले इसके टर्म को कंपैरिजन करेंगे हम किससे छोटा या बड़ा हो रहा है, फिर हम किस सीरीज को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x³ + 2x + 2, ठीक है ना. सो दिस वैल्यू हमारी किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, x³ से, कोई संदेह ही नहीं है, x³ में कुछ जुड़ा हुआ है, सो दैट मींस ये बड़ी हो जाएगी. और अगर हम इसका रूट कर दें तो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है स्टिल. और इसका मतलब क्या हो गया, 1/√x³ also greater than 1/√x³ + 2x + 2. हमने तो वैसा ही बना लिया जैसी हमें आवश्यकता थी. हमारे फंक्शन में इंटीग्रेंट क्या था, 1/√x³ + 2x + 2. सो हमने इसको ऐसा ही बना लिया, यानी कि जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास बड़ा टर्म आ गया है इससे 1/something.
सो दैट मीन्स अगर मैं अपने इस इंटीग्रेशन को कहूं, सो हम बात कर रहे हैं बड़े वाले इंटीग्रेशन की। देखो यहाँ पे हम एक इसमें लॉजिक छिपा होता है, दैट मीन्स आई एम राइटिंग x की पावर 3/2। सो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। जब भी हम ऐसे बड़े से डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट है तो सब ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंट हो तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे इस केस में, ठीक है? तो फिर हम दूसरी तरीके से देखते हैं। सो नाउ देन दिस इज व्हाट x की पावर 3 और सीरीज क्या है 1 टू द इनफाइनाइट। आप इसकी कंपैरिजन कर लीजिए, किससे कर सकते हो कंपैरिजन? यू कैन कंपेयर विद दिस सीरीज 1 अपॉन n की पावर p से, ठीक है ना? दिस इज द p सीरीज, सभी जानते हैं ना। और यहाँ इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p इज इक्वल टू 3/2, ग्रेटर देन 1 है, सो कन्वर्जेंट, नथिंग टू डू इन दिस केस। सो दैट मींस ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, बाय प्रोसेस जाओगे तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास क्या कह रहा है आपको, इसको आप n में चेंज कीजिए, ऊपर की लिमिट है, इसको आप लिमिट t टेंड्स टू समथिंग कीजिए, t टेंड्स टू इनफाइनाइट कीजिए, 1 टू t कीजिए, और पूरा देखिए कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हो किस सीरीज से कंपैरिजन, ठीक है ना? तो इससे ये फायदा हो जाता है, ये एक छोटी सी ट्रिक होती है यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन को रिड्यूस करने की डायरेक्टली। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे भाई वाह, कैसा क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ, फंक्शन दिया हुआ है, किस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x और 3x माइनस x, वेयर x इज x denotes the greatest integer not greater than x and will be continuous at। Continuity की बात इसने हमसे पूछी है, किस पे पूछी है, x is equal to 1/2, x is equal to 1, 0 and -1, 2। ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स दिए हैं ये कैसे हैं, ये सब के सब इंटीजर हैं, यानी कि मुझे किसी एक पे चेक करना होगा बिहेवियर, क्योंकि मेरा फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, ठीक है ना? सो और आप सभी लोग जान, आपको ये आई थिंक की पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है हमारा। सो यानी किसी एक पे ही नेचर चेक करनी होगी, मुझे औरों पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि मुझे क्या देखना होगा, लिमिट देखनी होगी, लिमिट या सो मैं फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए मैं चलता हूँ, तो दैट मीन्स लिमिट मुझे देखनी होगी 1 प्लस h, राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू। जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और हमें इसे मैनुअली ऐसे करना पड़ रहा है, सबसे पहले एफ निकालिए, एफ ऑफ 1 निकालेंगे आप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 × 1 − 1 व्हिच इज इक्वल टू 1। क्लियरली यानी कि मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है? एफ ऑफ 1 भी आ गया। अब मुझे निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हम करेंगे यहाँ पर एफ वन प्लस एफ वन माइनस एच इज इक्वल टू, सो व्हाट इज दिस लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पूरा जगह हर जगह पुट करने जा रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच अपॉन 3 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बताइए। 1 माइनस आपने समथिंग किया है तो क्या वैल्यू आने वाली है आपकी यहाँ पर, दैट विल बी कितना, 1 में से कुछ छोटा हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने h इज इक्वल टू 1/2 ले लिया तो कितने आ जाएगी, कौन सा इंटीजर बनेगा, 0 पॉइंट समथिंग, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 2 × 0 अपॉन 3 × यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस h माइनस 0 दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0, जबकि मेरे पास f1 की वैल्यू क्या है 1, सो मुझे अब राइट हैंड लिमिट तो निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब इस इंटीजर पे तो उसको प्रॉब्लम हो गई भी है, यानी कि अगर 1 पे फेल हो गया तो ये इस पे भी फेल हो गया, इस पे भी हो गया, ऑटोमेटिकली फेल हो गया, क्योंकि तीनों क्या है इंटीजर हैं, एक ही नेचर के हैं, सो हमें यहाँ 3 पॉइंट पे निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब बचा क्या, x इज इक्वल टू 1/2, आप निकाल के भी देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो क्या आ रहा है 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी आपके पास 0 आ रहा है, सो दैट मीन्स ऑड मैन आउट भी था ये इवन दो क्वेश्चन, ठीक है ना? तो एक पे किसी पे चेक करनी थी, देखिए एक ही है आपका,
दूसरे टाइप का, या तो ये करता कि दो दो अलग अलग पॉइंट देता, तब भी हमें सोचना था, या हमें सोचना ही नहीं था इन सब क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था, अरे वाह, रेफरेंस रिलेशन का सीक्वेंस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है हमारे पास, ए वन की वैल्यू तो दी गई है वन, जबकि ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या है आपके पास, थ्री ए एन प्लस टू अपॉन सिक्स, जहां पर n इज इक्वल टू वन टू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके हमें दिए गए हैं। देन आपसे पूछ रहा है ए एन कन्वर्जेस टू, ए एन का डाइवर्जेंट, ए एन कन्वर्जेस टू, ओके, सो व्हाई नॉट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स टर्म्स। सो टर्म्स निकालने के लिए हमें ए वन तो मालूम ही है, ए वन इज गिवन वन, सो ए टू को अगर हम निकालते हैं अपने इस टर्म से n इज इक्वल टू वन पुट करके, दैट मीन्स यू आर गेटिंग This is a2. A2 is equal to 3an plus 2 by 6. और a1 की वैल्यू कितनी, यानी कि 5 by 6 clearly. What will be the a3? A3 is equal to 3 into 5 by 6 plus 2 upon 6, which is equal to 2, 2, 3, 4, 4, 5, 9. और नीचे क्या हुआ हमारा, 12. नीचे हो गया 12. ओके, सो ए फोर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, बट आपका मेन पर्पस ये नहीं कि इनको फाइंड आउट करना है, आपका यहाँ पर्पस ये है कि सीक्वेंस मेरी कैसे टर्म्स आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं या फ्लक्चुएट हो रहे हैं, यानी कि कोई अल्टरनेटिव तो टर्म्स नहीं आ रहे हैं। सो आपने क्या दिया, वन फाइव बाई सिक्स एंड नाइन बाई ट्वेल्व, ठीक है। So, जैसे ही मेरे पास ये टर्म आ रहे हैं, आप नोटिस कीजिए इनके बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, ये टर्म्स घटते जा रहे हैं मेरे पास, ओके, सो दैट मींस एंड सो ऑन, आप देखेंगे ऐसा हो रहा है। सो क्या लगेगा कि कहीं जीरो की तरफ या किसी ऐसी वैल्यू की तरफ जा रहा है, या जब तक हम nth टर्म ना निकालें तब तक हम करेंगे इसको, नहीं हमें करना है, ठीक है। हमें क्या पता लग गया है, इसके एक बात का पता लग गया है कि ए एन की वैल्यू वन है, और जो और वैल्यूज मेरी होती जा रही है वो और छोटी होती जा रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे इसके पास पता लग रहा है कि मेरी सीक्वेंस बाउंडेड होने की तरफ तो अप्रोच कर गई है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक, आप समझ जाइए कि मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेस है, और कन्वर्जेस है तो क्या है, आप जहां ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, दिस रिलेशन, इस रिलेशन का यूटिलाइज कर लीजिए। अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस करती है एल पे तो डेफिनेटली है, उसकी अगर कोई सब सीक्वेंस ए एन प्लस वन हो चाहे ए एन माइनस वन हो, सब भी कन्वर्जेस करेंगी एल पर ही, तो हर जगह जहां आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या है रिलेशन, लेट अस टेक दिस वन, द रिलेशन इज सिक्स टाइम ऑफ ए एन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू थ्री ए एन प्लस टू, ओके, पुट एवरीवेयर, जहां जहां पर हमें दिखा रहा है एल पुट कर दीजिए इनकी जगह, दैट मीन सिक्स ऑफ एल इज इक्वल टू थ्री एल प्लस टू, दैट इज नथिंग, थ्री एल इज इक्वल टू टू, दिस इंप्लाइज एज इक्वल टू टू बाई थ्री, तो वो लिमिट एल है, ये सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगी वो टू बाई थ्री पे है आंसर, यस द ए इज द करेक्ट आंसर। कोई भी कैसा भी रिग्रेंस रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, टर्म निकालिए, देखिए कहाँ जा रही है, और उसके बाद सीधा रख दीजिए आंसर, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में ये छोटी सी टेक्निक को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कॉम्प्लेक्स का, जिसमें कहा गया कि द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ e टू द पावर z स्क्वायर ऑन द सेट s इज, क्या है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन चलिए रिकॉल हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन f ऑफ z, f ऑफ z इज इक्वल टू e टू द पावर जेड स्क्वायर। जब भी इसकी मॉडुलस की बात करें, डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, सो दैट मीन्स आपको यहाँ मॉडुलस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसको खोल के रख लीजिए। व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा, ठीक है। सो दैट कैन बी रिटन एज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टू एक्स आई वाई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर x square minus y square modulus into modulus e to the power 2xiy. So, ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है term, what is that? आप सभी जानते हैं e to the power z का अगर modulus value निकालोगे तो क्या आने वाला है, 1. So, this is a similar to this one. So, this means इसकी value तो हो गई 1 by. अब बचा क्या, e to the power x square minus y square. ठीक है? So, इसकी value को हमें find out करना है हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है x square minus y square पे।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी ऑन, बिकॉज रियल जेड कहां से कहां तक लाई करते हैं? 0 से 1 तक, और इमेजिनरी कहां से लाई करता है? 0 से 1 पे। सो इमेजिनरी वैल्यू को हम जब 0 रखेंगे तो व्हाट वी विल रिसीव? द एक्स, अगर हम मैक्सिमम रख दें 1 तो वी विल रिसीव मैक्सिमम। इसके अलावा तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो द होल थिंग विल बिकम e टू द पावर 1 एंड व्हिच इज इक्वल टू e। तो यानी कि एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो आई है दैट इज e। क्या है आंसर में? यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इजीली था और आप उसको आराम से निकाल सकते थे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे से तरीके हैं कुछ क्वेश्चंस को डील करने की, भी इसको हमें पर्टिकुलरली ऐसे ही डील करना चाहिए। अब आप इसमें कुछ और करने लगेंगे तो डेफिनेटली वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज आई थिंक द डायरेक्टली फॉर्मूला। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है गेट में, कि क्या पूछा गया है? द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ई टू एट जेड इज इक्वल टू ए। हम भूल जाते हैं फॉर्मूला को, तो हमें ये फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए कहा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा? यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें तो हमें सोचना भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अगर हम फॉर्मूलाज को रिकॉल कर रहे हैं या हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं बाय द सुटेबल फॉर्मूला वी कैन गेट द आंसर। ठीक है ना? सो दैट वाज द थिंग हियर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें करेक्ट है? कैसा है पहला? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम सी टू सी इज एनालिटिक। ओ, सोचिए क्या करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं है? f ऑफ z a पार्ट के लिए हमारे पास है क्या? f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z, मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है थ्रू आउट द c, बट क्या है? इज एनालिटिक कहा इसने, बट नॉट एनालिटिक बिकॉज एट z इज इक्वल टू 0 नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इंप्लाइज नॉट एनालिटिक। So, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन तो गया काम से। दूसरा ऑप्शन क्या गया? एवरी एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम टू सी सी टू सी इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन। मतलब अगर सी से कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो जो है आपका एनालिटिक ही होगा। क्यों भाई? साइन ऑफ जेड से क्या प्रॉब्लम है? ई टू दी पावर जेड से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जरूरी नहीं है, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सी पार्ट में क्या कहा? एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन फ्रॉम सी टू सी इज एनालिटिक। यस, दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट और हम इसका बहुत यूज करते हैं हमेशा। ये हमें मालूम होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि हर एक पॉलीनोमियल फंक्शन जो एनालिटिक फंक्शन होता है। व्हाट इज द डी वन? एवरी एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम सी टू सी इज सर्जेक्टिव। भाई ये ले लीजिए आप डी के लिए भी। डी के लिए भी आप क्या लेंगे? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड को ले लीजिए। अगर आपने एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड ले लिया तो आप बताइए हमारे पास डोमेन भी है, हमारे पास को डोमेन भी है, क्या है? और सी टू सी कौन सी वैल्यू है इसको ऑन टू बना देगी जो जीरो का इमेज दे देगा? नहीं मिलने वाला है भाई। सो इसका मतलब ये कभी भी आपका जीरो नहीं होता है ये फंक्शन। सो दैट मीन्स दैट कि क्लियरली ये ऑन टू फेल कर गया है हमारे पास। ठीक है ना? सो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें स्टेटमेंट टाइप कैसे दिए होते हैं वहां हमें काउंटर एग्जांपल्स का यूज करना पड़ता है। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, भाई ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना? सो दैट इज अ थिंग। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट? इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर डी जेड वेयर सी इज अ सर्किल विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2 इज इक्वल टू। क्या मुझे निकालने की जरूरत है? आप देखिए पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या कहा गया है? सी ऑप्शन को, एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन फ्रॉम सी टू सी इज एनालिटिक। यानी कि ये तो पॉलीनोमियल फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, सो थ्रू आउट ये तो एनालिटिक है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ किसके? कॉशी की। कॉशी थ्योरम क्या कहती है? इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इंटीग्रल ओवर सी इंटीग्रल ओवर सी जेड एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो के। ये रहा ऑप्शन, तो हमें ये भी करना नहीं था। ये हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट है, ये मतलब आप समझिए एप्लीकेशन दिया गया है एक सिर्फ सिंपली। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी लिख सकता हूँ, मैं रख सकता था यहाँ पे कि ठीक है इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड टू द पावर 4। ठीक है, ये एनालिटिक है या नहीं है? तो ऐसी बातें पहले मुझे ये देखनी होंगी कि ये जो मेरा फंक्शन है ये एनालिटिक है या नहीं है। फर्स्ट आई हैव टू चेक, अगर एनालिटिक है देन आई कैन अप्लाई द थ्योरम, और नहीं है देन व्हाट आई कैन डू? आई हैव टू
डू द प्रोसेस। इन चीजों को ध्यान रखें, जब भी हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखें तो सब उसमें हमें दो चीजों पर जरूर फोकस करना चाहिए, वो गिवन कर्व क्या है और वो इंटीग्रेंट क्या है, इससे ही हम क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, बहुत सारी ट्रिक है। सो इसलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर वाईफाई CSIR नेट चैनल, आप अगर प्रीवियस वीडियो कुछ भी चाहते हैं तो वहां जाकर के मेरी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज डाल रहा हूँ, अभी मॉक टेस्ट भी लेके आने वाला हूँ। और प्लस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन डिटेल भी मैंने इस वीडियो में डाली है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।